आने वाले समय में जितने हमारे दिव्यांग जन है, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो मनीष भैया के इशारे पर हम लोग सारे व्यवस्था को तुरस्त तुरस्त कर सकते हैं हम लोग। पत्रकार मनीष कश्यप को जब 18 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था तब उसी समय बिहार वासियों के दिल में एक घाव कर बैठा। वो घाव ये था कि आखिर इतने सच्चे पत्रकार को ये भ्रष्ट सरकार कैसे गिरफ्तार करवा दी, और इतने दिनों से अभी तक पत्रकार मनीष कश्यप को जेल में ही वह रखी हुई है। लेकिन बिहार वासियों की आशा की उम्मीद अब खुल चुकी है, अब रात के अंधेरे से दिन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, पत्रकार मनीष कश्यप के जेल से आने का इंतजार सभी बिहार वासियों का खत्म हो चुका है, क्योंकि बिहार वासी जिस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं पत्रकार मनीष कश्यप का, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से, पत्रकार मनीष कश्यप की पेशी जहां पर भी कोर्ट में होती है उनका समर्थन देखकर जज साहब के होश उड़ जाते हैं। जज साहब का कहना है कि इतना ज्यादा समर्थन, वो भी गुनाह किए हुए व्यक्ति को जेल में रखा जाता है, लेकिन इस व्यक्ति के जेल में आने के बावजूद भी इतना ज्यादा समर्थन होते हुए भी यह साफ साफ कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति निर्दोष है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने गेम खेल के पत्रकार मनीष कश्यप को जेल में डलवाया था, अब उसी प्रकार से कोर्ट में जज साहब ने साफ साफ कह दिया कि पत्रकार मनीष कश्यप के नाम से NSA एक्ट बहुत जल्द ही हटाया जाएगा, और जब ही NSA एक्ट हटेगा उसी दिन पत्रकार मनीष कश्यप को जमानत मिल जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं पत्रकार मनीष कश्यप के नाम पर NSA एक्ट लगा दिया गया है, जो कि इस नवी फेल सरकार की वजह से लगा है। बिहार में जो भ्रष्ट सरकार है वो अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पत्रकार मनीष कश्यप जब से जेल में गए हुए हैं, बिहार की जनता का एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा वायरल होता है, बिहार में बाहर है और अनपढ़ों की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनपढ़ बिहारवासी किसे कह रहे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और पत्रकार मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने की उम्मीद अगर सही निकली तो पत्रकार मनीष कश्यप बहुत जल्द यानी 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग के बीच होंगे, और वही पुराने अंदाज में रिपोर्टिंग करते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है, पत्रकार मनीष कश्यप जेल से अगर बाहर आएंगे तो आप कितने खुश होंगे और कहां कहां पर लड्डू बांटेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने को दुख में डालकर किसी की मदद नहीं कर सकता है, ठीक वैसे ही पत्रकार मनीष कश्यप सभी बिहार वासियों के साथ करते हैं। अगर उनको कोई दुख सहना पड़ता है तो वह बखूबी सहते हैं, लेकिन बिहार वासियों के साथ गलत नहीं होने देते हैं। अपनी आंख के सामने कभी भी बिहार वासियों को वह गलत नहीं होने दिए हैं और न होने देंगे। पत्रकार मनीष कश्यप की शायद यही वह चीज है जिसकी वजह से बिहार वासियों के दिल में अपना जगह वह बनाए हुए हैं, और आज के समय में लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोगों का उनका समर्थन मिल चुका है। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।